यस सर, लेक्चर 9 है ना? यस सर, 9 नाइन पैराबोला। आज है ना वैसे ही थोड़े से क्वेश्चन देखने थे पैराबोला के और एलिप्स स्टार्ट कर लेंगे थोड़े। क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड जो मिसलिनियस में दे रखे होंगे। टेंजेंट टू द पैराबोला, नवे तुम बोलो। टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax आर ड्रॉन एट पॉइंट हुज एब्सिसा आर इन द रेशियो। आपको रेशियो दे रखा है एम स्क्वायर इज टू 1, एम स्क्वायर इज टू 1। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब क्या होता है? एक्स एक्स कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। फाइंड द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, फाइंड द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दी। ठीक है, यस मतलब सर, ये है सर जैसे ए, 81, 82। एक मिनट एक मिनट, ए बी यहाँ पे आपके टेंजेंट ड्रॉ किए गए जिनके एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने मान लिया ए टी 1 स्क्वायर 2 AT1 और ये बोल रखा है ए टी 2 स्क्वायर और 2 AT2। आप हमें इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है ये पी पॉइंट का, ठीक है? और दे रखा है ए और सर बी के एक्स कोऑर्डिनेट, ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ए टी 1 स्क्वायर एटी और वन डिवाइड बाय स्क्वायर क्या? एटी टू स्क्वायर ए टी 2 स्क्वायर। क्या रेशियो है? एम एम स्क्वायर अपॉन वाई। यानी टी 1 इक्वल्स टू MT2। ये बात समझ आ यस गई? सर, अब हमें आंसर किसकी टर्म्स पे लाना है जल्दी बता देना भैया। सर एच के एम। और ए एच के एम और यस सर, कोई डाउट तो नहीं? नो सर, अब जल्दी से नव्या एच की वैल्यू बता दे क्या आती है सर AT1 T2 और K और के की। की AT1 plus T2। ठीक है चलो, यस सर, अब T1, अब जो है मेरे को T1 T1 इक्वल्स टू MT2 भी दे रखा है तो H इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ए एम T2 MT2 स्क्वायर हो, सही है? यस सर, K इज इक्वल्स टू ए T2 प्लस MT2। कोई डाउट तो नहीं? नो सर, तो T2 की वैल्यू आ गई K अपॉन ए इंटू 1 प्लस। सही है, यस सर, इसका होल स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस। एनी डाउट बच्चे? नो सर, चल अनीश बोलेगा। यस सर, चलो दूसरा क्वेश्चन बोलो। इफ टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इफ टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax मीट एक्स एक्सिस इन टी, मीट एक्स एक्सिस इन टी। अगर मैंने बोला टेंजेंट ड्रॉ किया टू द पैराबोला पी पॉइंट पे ड्रॉ किया मीट एक्स एक्सिस इन टी, ये बात समझ आ गई अभी तक? यस सर, एंड टेंजेंट एट द वर्टेक्स ए इन वाई, टेंजेंट एट द वर्टेक्स ए इन वाई, ठीक है? यस सर, एंड द रेक्टेंगल टी ए वाई जी इज कंप्लीटेड, टी ए वाई जी इज यस कंप्लीटेड, देन फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट जी, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट जी। अब एक बार दोबारा सुन ले क्वेश्चन एक बारी। एक पी पॉइंट था जिसपे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स को मीट करता है वाई पे और एक्स एक्सिस को मीट करता है टी पे। रेक्टेंगल टी ए वाई जी हमने कंप्लीट किया, रेक्टेंगल टी ए वाई जी हमने कंप्लीट किया और हमें निकालना है इस जी पॉइंट के लोकस। एनी डाउट बच्चे? नो सर, ठीक है, आंसर किसकी टर्म्स में आएगा बस ये बता। सर एच के ए और वाई और वापस एच के ए। एच के ए की टर्म, ठीक है? अब टेंजेंट की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? टी वाई इज इक्वल टू, ठीक है, वाई वाई 1 होता है ना, 2 AT इंटू वाई 4A इंटू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा यस टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है? यस सर, जीरो अब वाई वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसमें एक्स की वैल्यू 0 डाल दूं, यस सर, एक्स तो की वही वैल्यू आ गया 0 डाल दूं, एटी। वाई की वैल्यू आ गई 80। तो यस दिस सर, पॉइंट इज 0.8। अब एक्स की टी पॉइंट निकालने के लिए किसकी वैल्यू 0 डालूं?
वाई की एक्स की वाई की सॉरी वाई की वाई की एक्स की वैल्यू माइनस 80 स्क्वायर आ गई। यस सर। अब एच की वैल्यू क्या होगी? माइनस 80 स्क्वायर होगी और के की वैल्यू शायद 80 होगी। इसमें कोई डाउट है तो बता दो सर कैसे करा? ये बचे यहां से यहां तक का डिस्टेंस एच होगा। अच्छा हाँ यहां से यहां ये होगा एच की वैल्यू माइनस 80 स्क्वायर है। ये समझ आ गया? यस सर। टी इक्वल टू के बाय ए आ गया, इसके अंदर पुट कर दे एच इज इक्वल टू माइनस ए इंटू के बाय ए का। कोई डाउट तो सर इसमें रेक्टेंगल का क्या रूल था? अच्छा हो गया सर समझ आ गया। ठीक है ना, समझ आई बात की नहीं? यस सर आ गई। चल अब पूर्वी, लेकिन सर अगर उस क्वेश्चन में रेक्टेंगल की जगह कोई और पैरेलोग्राम होता जो कोई और क्वाड्रेटर जिसके बीच का एंगल थीटा है तो फिर क्या करते हैं? नहीं होता, अब नहीं होता ना ऐसे, फिर कोई और तरीका होता। अच्छा ये कहता है कौन पूर्वी? यस सर। पूर्वी बच्चे क्वेश्चन है अ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर प्लस 4bx इक्वल टू 0 meets the parabola y square equals to 4ax at P and Q, at P and Q, सही है? Find the locus of midpoint of midpoint of PQ, find the locus of midpoint of PQ, कोई doubt? No sir। चलो एक बारी पूरी एक बारी ढंग से मैं दोबारा क्वेश्चन समझाता हूँ। y square is equal to minus 4bx है तो ये parabola है, यहाँ पे y square is equal to minus 4bx 4b एक पैराबोला है, y square is equal to 4a। अब ये जैसे लेट सपोज हमने ये पैराबोला ड्रॉ किया, अब यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ की मैं ब्लैक मार्क, ये p पे और q पे मीट करता है। क्वेश्चन समझ आया यहाँ तक? यस सर। और इसके मिड पॉइंट r का लोकस निकाल, बताओ कोई डाउट है तो? नो सर। अब आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? एच के और ए, एच के और ए बी भी बोल सकते हैं ना? हाँ यस सर। अच्छा पूर्वी बच्चे मैंने एक कंसेप्ट कराया था, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज आर, कुछ कराया था? यस सर। तो इस PQ की इक्वेशन इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में क्या आएगी? ये करवाया था S dash is equal to T। पूर्वी? यस सर। तो S dash कितना आएगा? K square minus 4AH और T की इक्वेशन आएगी KY minus 2AX minus 2AH। यस और नो पूर्वी ये बताओ, समझ आया है कि नहीं? के वाई माइनस टू ए। अब दिस लाइन इज टेंजेंट टू किस पैराबोला के लिए टेंजेंट है? ये बात समझ आ गई है ना अभी तक? यस सर। यहाँ पे पूर्वी बच्चे सी की वैल्यू ये हो गई k स्क्वायर माइनस 2ah बाय k इज इक्वल टू माइनस a बाय m होता है, a कितना है? ae के बराबर है, m कितना है? 2a डिवाइड बाय k, कोई डाउट? नो सर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस, यस और नो? यस सर। समझ आ गई बात? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं लोकस का। सर बस बट इसमें बी की टर्म्स में नहीं आया ना? बी की टर्म्स, एक मिनट सॉरी सॉरी, फिर मैंने कुछ गलती कर एक यहाँ पे या सॉरी मैंने यहाँ पे ना सी इक्वल्स टू मैंने गलती, चलो अच्छा वो बता दिया, ये सी आ गया, ये बात समझ आ गई? यस सर। सी इक्वल्स टू माइनस बी बाय एम होती कंडीशन, ए बाय एम माइनस ए बाय एम, ए क्या है यहाँ पे? बी। और एम क्या है यहाँ पे? टेंजेंट की इक्वेशन 2a बाय के, ये आएगी।
सही है, ठीक है। यस सर। चलो नव्या, यस सर। चलो नव्या तुम बोलो। सिक्स का क्वेश्चन है, अ लाइन पी क्यू मीट्स पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a। अ लाइन पी क्यू मीट्स पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इन r सच दैट पी क्यू इज बाइसेक्टेड एट r। अ लाइन पी क्यू, जैसे लेट सपोज पी क्यू, आर जो है इसका मिड पॉइंट, सही है? यस सर। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर एक्स वन वाई वन, देन फाइंड द लोकस ऑफ आर, फाइंड द लोकस ऑफ आर, नहीं फाइंड द लोकस ऑफ क्यू, सॉरी फाइंड द लोकस ऑफ क्यू, सही है? यस सर। अब जल्दी से बता, नवे क्वेश्चन में क्या था? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, एक लाइन है पी क्यू जिस जो ये It कट is करती है bisected at R. आर, हमें क्यू पॉइंट का क्या और निकालना है? लोकस निकालना है सर। अच्छा अब ये बता आंसर H, किसकी टर्म्स में K आएगा? और A की टर्म्स में आएगा। एक्स वन वाई वन की टर्म्स में भी तो आएगा, ये वन है ना। यस सर। चल अब जल्दी से नव्या ये बता, एच प्लस एक्स वन इज इक्वल टू कितना होगा, बाय टू इज इक्वल टू क्या होगा? बोल। चलो ये बात तो क्लियर हो गई, अल्फा की वैल्यू समझ आ गई, बीटा की वैल्यू समझ आ गई। अल्फा और बीटा समझ आ गया, तो अब ये अल्फा बीटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में क्या करेंगे? तो सैटिस्फाई करेगा बीटा स्क्वायर तो इक्वल टू, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? और है एक्स वन प्लस एच बाई टू, ये आगे ना आंसर एच के एक्स वन एक्स टू सब में ना। यस सर। बात समझ जाइए, ये समझ आ गई? यस सर, समझ आ गया। बच्चे अब है ना मैं ट्राई करूंगा कि कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट से अलग से दूंगा, ठीक है? अभी ये गर्व, यस सर, ये क्वेश्चन समझ आए हैं बच्चे? यस सर। चल गर्व अब है ना इलिप्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अगर एक बार उसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देगा दोबारा से रिकॉर्डिंग लेनी है। ओके सर। इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर